हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, अगर आप 7 से 8 हज़ार रुपये के अंदर कोई भी एक अच्छा स्मार्टफोन खरीदने के बारे में सोच रहे हो और आप अभी अभी जो लॉन्च हुआ है इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 को खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो रुक जाइए। अगर आप अपने मेहनत की हुई पैसों को सही जगह पर खर्च करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और उसके बाद खुद ही डिसाइड कीजिए आपके लिए कौन सा बेस्ट होने वाला है, इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 या फिर मोटो E13। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले दोनों फोन की कलर ऑप्शन और वेट एंड थिकनेस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों फोन का कलर ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर वेट एंड थिकनेस के मामले में मोटो E13 आपको लाइट वेट और काफ़ी स्लिम देखने के लिए मिलते हैं। डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पर इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 के अंदर 6.6 इंच का एक HD+ IPS LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ, और यहाँ पर आपको 500 निट्स का ब्राइटनेस दिया गया है। मोटो E13 की बात करते हैं, यहाँ पर आपको 6.5 इंचेस का एक HD+ IPS LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ, और यहाँ पर भी आपको ब्राइटनेस के अंदर कोई भी दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्प्ले के अंदर दोनों फोन आपको ऑलमोस्ट सेम ही देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 का डिस्प्ले हल्का सा आपको बड़ा देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर दोनों फोन का जो डिस्प्ले है वो आपको ऑलमोस्ट सेम ही देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर कोई भी उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और उसके बाद अगर बैटरी की बात करते हैं तो यहाँ पर इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 का बैटरी आपको काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर 6000mAh की बैटरी दिया गया है और मोटो E13 के अंदर 5000mAh की बैटरी दिया गया है। तो यहाँ पर बैटरी के मामले में इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 थोड़ा सा बेटर है, और दोनों फोन के अंदर 10W की चार्जिंग का सपोर्ट और टाइप सी पोर्ट दोनों फोन के अंदर दिया गया है। और उसके बाद अगर कैमरे की बात करते हैं तो यहाँ पर कैमरे के मामले में दोनों फोन सेम है। दोनों फोन के रियर साइड में आपको 13MP का मेन सेंसर और फ्रंट में आपको 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, और यहाँ पर इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 के अंदर आपको अलग से और एक सेंसर दिया गया है, ये डिज़ाइन के लिए है लेकिन कोई काम का नहीं है। तो यहाँ पर कैमरे के मामले में दोनों फोन आपको सेम देखने के लिए मिलते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। और उसके बाद अगर UI की बात करते हैं तो यहाँ पर इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 के अंदर XOS देखने के लिए मिलते हैं, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे ब्लोटवेयर देखने के लिए मिलते हैं, और ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 12 के साथ आता है। और मोटो E13 की बात करते हैं, यहाँ पर आपको MIUX देखने के लिए मिलते हैं एंड्रॉयड 12 गो एडिशन के साथ। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर UI के मामले में मोटो E13 का जो UI है वो आपको थोड़ा सा बेटर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी ब्लोटवेयर देखने के लिए नहीं मिलेगा और एकदम स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलते हैं। और उसके बाद अगर प्रोसेसर की बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों फोन के अंदर यूनिसॉक का प्रोसेसर यूज़ किया गया है, लेकिन यहाँ पर इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 के अंदर जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो बाबा आदम जमाने का प्रोसेसर है, मतलब काफ़ी पुराना प्रोसेसर है और काफ़ी वीक प्रोसेसर है। यहाँ पर यूनिसॉक SC9863A प्रोसेसर यूज़ किया गया है जो कि 28nm पर है, मतलब आप समझ सकते हो काफ़ी पुराना प्रोसेसर है। अगर आप नॉर्मल यूज़ भी करते हो ज़्यादा तो ये स्मार्टफोन हैंग करने लगेगा, नो डाउट। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस एकदम बेकार आपको देखने के लिए मिलेगा इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 के अंदर, लेकिन मोटो E13 के अंदर यूनिसॉक T606 प्रोसेसर दिया गया है जो कि 12nm पर है। आप देख सकते हो यहाँ पर मोटो E13 का प्रोसेसर 12nm पर है और यहाँ पर इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 का प्रोसेसर 28nm पर है। तो आप देख ही सकते हो प्रोसेसर के अंदर कितना बड़ा डिफरेंस है नैनोमीटर के अंदर। और यहाँ पर मोटो E13 के अंदर जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है यूनिसॉक T606, वो आपको काफ़ी पावरफुल देखने के लिए मिलते हैं 7-8 हज़ार रुपये के अंदर। आप नॉर्मल यूज़ तो कर पाएंगे और साथ ही में आप थोड़ी बहुत गेमिंग भी कर पाएंगे, हेवी यूज़ भी कर पाएंगे, उतना प्रॉब्लम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पर मोटो E13 आपको सबसे बेस्ट देखने के लिए मिलते हैं 7-8 हज़ार रुपये के अंदर। और दोनों फोन के अंदर आपको हेडफोन जैक लगाने का ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। दोनों फोन के अंदर आपको सिंगल स्पीकर देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर मोटो E13 के अंदर और एक एडवांटेज देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट दिया गया है। और फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करते हैं तो यहाँ पर एक अच्छी बात है, इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, लेकिन मोटो E13 के अंदर कोई भी फिंगरप्रिंट का ऑप्शन नहीं है। और उसके बाद अगर प्राइसिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 आपको एक ही पे रेंट में देखने के लिए मिलता है, 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 7300 रुपये में देखने के लिए मिलता है। मोटो E13 आपको दो वेरिएंट में देखने के लिए मिलते हैं, 2GB RAM 32GB स्टोरेज के साथ 7000 रुपये में देखने के लिए मिलते हैं, और 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ ये स्मार्टफोन आपको 8000 रुपये में देखने के लिए मिलते हैं। आप दोस्तों बात करते हैं आपको क्यों इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 को नहीं लेना चाहिए। अगर दोस्तों आप इसकी बैटरी और इसकी डिज़ाइन को देखकर इस स्मार्टफोन को खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो रुक जाइए, क्योंकि फ़ोन डिज़ाइन के ऊपर या फिर बैटरी से नहीं चलता, फ़ोन चलता है एक अच्छे प्रोसेसर से। तो यहाँ पर जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो काफ़ी पुराना प्रोसेसर है, अगर आप नॉर्मल यूज़ भी करते हो तब भी ये स्मार्टफोन हैंग करने लगेगा, और अगर आप गेमिंग के बारे में सोच रहे हो तो फिर भूल जाइए, गेम खेलने के बारे में आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा। इसके अंदर आप हैवी यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, नॉर्मल यूज़ के अंदर ही ये स्मार्टफोन थोड़ी देर के अंदर अटकने लगेगा। लेकिन अगर आप मोटो E13 को देखते हो, यहाँ पर प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, आप नॉर्मल यूज़ कर पाएंगे साथ ही में गेमिंग भी कर पाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिया गया, एक ही प्रॉब्लम है, लेकिन ओवरऑल जो स्पेक विशन है आपको काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है।
इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 के कंपैरिजन में। आई होप कि कंपैरिजन आपको पसंद होगा, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।